नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। भांडी पुलिस की हद में 4 अक्टूबर को हुई एक हत्या के प्रमुख आरोपी अमित मधुकर भोगले को करीब 2 महीने बाद अपराध शाखा यूनिट 7 की पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि उसके अन्य साथियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया। यूनिट 7 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुधीर यादव, पुलिस उप निरीक्षक लोहकरे रामदास कदम को उनकी टीम को गुप्त जानकारी मिली कि उपरोक्त घटना का प्रमुख आरोपी अमित मधुकर भोगले ठाणे जिले में गुप्त रूप से रह रहा है। इस जानकारी को पक्का करके पुलिस ने चिन्हित स्थल पर छापेमारी कर अमित को हिरासत में लिया। उसकी निशानदेही पर यूनिट की पुलिस ने हत्या की उक्त घटना में उपयोग किए जाने वाले कई हथियार व 43,65,000 के अन्य सामान बरामद किए। सूत्र बताते हैं कि सूरज गोपाल मेहरा उस नेपाली की हत्या में पुरानी रंजिश को लेकर की गई है, जिसमें कुल 10 आरोपियों का समावेश था। पुलिस 9 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन अमित भोगले नामक प्रमुख आरोपी अब तक फरार था। पुलिस ने शनिवार 27 नवंबर को उसको गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संजय तराडे व पुलिस उपायुक्त प्रशांत कदम के निर्देश पर हत्या की इस घटना की जांच अपराध शाखा यूनिट 7 की पुलिस भी कर रही थी। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।